वेरी गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब एंड दिस इज जस्ट अ फॉर्मल वे टू गिव वंस इंट्रोडक्शन। ये 10वां सेट है आपका, 10 यानी 9 सेट्स इसके पहले आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जो एक सीरीज में आप तैयार करते रहिएगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी या सजेशन समझें आप कि आप इसे सीरीज में तैयार करिए, आगे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि एक सेट जब आप सोचेंगे तो वो एक सेट आपको दिखाई देगा, लेकिन ऐसे आपके पास अब 10 सेट्स हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे सेट्स प्राप्त करने के लिए तमाम कोचिंग्स करते हैं, तमाम तरीके के पैसे एक्सपेंस करते हैं। ये 10 सेट्स आपको ऐसे ही हैं जो सारे अपने घर पे या जब भी रूम पे आप हैं तो आप धीरे धीरे एक एक सीरीज अपनी तैयार करते रहिए। तमाम आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, कई सारे क्लोज्ड स्पेसेस हो जाएंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो जाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हो जाएंगे, सेंटेंस फिलर्स हो जाएंगे, तमाम कॉमन एरर्स हो जाएंगे, कई सारी चीजें आपकी इकट्ठी प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा भी आपको लगता है तो कई सारे क्लोज टेस्ट का मेरा पैसेज मैंने कराया हुआ है, क्लोज टेस्ट के सेक्शन में आप जा सकते हैं, कॉमन एरर्स के अलग सेक्शंस हैं वहां पे आप जा सकते हैं, सेंटेंस फिलर्स के हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स के हैं, वहां अलग अलग कई सारे इकट्ठे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जो आगे आपके सीजीएल मेंस में भी और इधर सीएचएसएल और एमटीएस में भी आपके बहुत काम आए। ये जो क्वेश्चंस आप करने जा रहे हैं ये सीजीएल मेंस में भी आपके काम आए, यानी जो आगे आपके एग्जाम्स हैं उनके अलावा सीजल मेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आगे सुर करें आपको ऐसा मौका मिले तो वहां भी सारी क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। तो लेट्स बिगिन 10th सेट ऑफ माय प्रैक्टिस बैच, सुपर 60 प्रैक्टिस बैच। ओके, लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है आपका और आप देखें क्या चीज यहां करेक्शन कर सकते हैं। कॉमन एरर का पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न है ही एक्सप्लेन्ड दैट, उसने ये समझाया, द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म यानी जो जन जातीयता के पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, दैट जिन पर ह्यूमंस रिलाई ऑन, जिन पर मनुष्य यानी मानव जो है वो भरोसा करता है, निर्भर रहता है, फॉर सिक्योरिटी, किस चीज के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वुड, वो पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म जो है वुड ऑलवेज काउंटर, वो हमेशा सामना करते रहेंगे एनी सिग्निफिकेंट कल्चर चेंज, किसी भी महत्वपूर्ण कल्चर चेंज को, सांस्कृतिक बदलाव को। फिर से देखते हैं, ही एक्सप्लेन्ड दैट, उसने समझाया, द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म यानी जो जन जातीयता के पिलर्स हैं, मीन्स स्तंभ हैं, That humans rely on for security, जिन स्तंभों पर मनुष्य जो हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर रहते हैं, वो pillars would always counter, counter means आमना सामना होना, वो pillars हमेशा सामना करते रहेंगे any significant culture change, किसी भी सांस्कृतिक बदलाव का, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलाव का। अब आप देखें क्या एरर है इस वाक्य में और मुझे बताएं एक एक करके, ताकि आपकी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो सकती हो। क्या एरर दिख रही है आपको? ही एक्सप्लेन्ड सही है, दैट सही है, द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म सही है, जनजातीयता के जो स्तंभ है, पिलर्स है, दैट ये ट्राइबलिज्म, पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म के लिए दैट जिन पर ह्यूमंस रिलाया, जिन पर मनुष्य रिलाया निर्भर होते हैं, फॉर सिक्योरिटी, किस चीज के लिए, सुरक्षा के लिए, वो पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म वुड ऑलवेज काउंटर, वो हमेशा सामना करेंगे एनी सिग्निफिकेंट कल्चरल चेंज, किसी भी महत्वपूर्ण कल्चर चेंज को। अगर आपको लग रहा हो वुड गलत है तो यहां ध्यान से देखें, ही एक्सप्लेन्ड है तो यहां पर सही है, वुड ऑलवेज। क्या गलत है आप समझ में आ रहा है आपको? एक बच्चे ने कल मुझसे कहा कि सर आप जो नाउन की पहचान होती है, एडजेक्टिव की पहचान है, वर्ब की, एडवर्ब की है, आप उसे बता दें एक वीडियो बना करके, ताकि हम लोग पहचान सकें ये शब्द नाउन है, ये एडजेक्टिव, ये वर्ब है और ये एडवर्ब।
कैसे एक नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करते हैं, कैसे एडजेक्टिव को वर्ब में चेंज करते हैं, ये भी। तो यानी आपके लिए जरूरी है ये सब जानना। क्यों जरूरी पता है? क्योंकि ये जो पोर्शन आपका है कल्चर चेंज, यही यहां पे एरर है। कल्चर चेंज नहीं होगा, चेंज क्या है आपका? नाउन है। तो कल्चर कैसे होगा, क्या होगा यहां पे? कल्चरल चेंज होता है, सांस्कृतिक बदलाव। ये जो कल्चर चेंज है आपका, आप इसके स्थान पे क्या यूज कर ले? कल्चरल चेंज हो जाए, कल्चर चेंज नहीं होगा, क्या होगा? कल्चरल चेंज हो जाएगा। चेंज यहां पे नाउन के रूप में है तो उसके पहले आपको क्या चाहिए? एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव और ये चेंज मिल करके एक कंपाउंड नाउन की तरह काम करेंगे, हो जाएंगे कल्चरल चेंज यानी सांस्कृतिक बदलाव, और सिग्निफिकेंट उस कंपाउंड नाउन के एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। तो सिग्निफिकेंट कल्चरल चेंज यानी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलाव। तो जहां कल्चर चेंज है वहां पे कल्चरल चेंज हो जाएगा, और ये इसी का कर सकते हैं आप, समझ सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपको आपकी एमबी या जो अन्य किताबें हैं जिनमें प्रीवियस ईयर सेट्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हीं से दिए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके मेंस के हैं, सीजीएल मेंस से मैं आपको दे रहा हूं ताकि अपना लेवल देख सकें और आप अच्छे हैं, सब कर सकते हैं। बस रेगुलर प्रैक्टिस करें मेरे साथ, बना लें कि सर के साथ एक प्रैक्टिस सेट रोज करें, क्या करना है सॉल्व करना है, तो जबरदस्त फायदा होगा आपका। बोले स्केलिंग द हाई बार, स्केल मीन्स किसी चीज को स्केल करना, मापन करना भी होता है, स्केल मीन्स चढ़ना भी होता है, क्लाइंब अप करना भी होता है। तो यहां पे वही सेंस है, स्केलिंग द हाई वॉल यानी ऊंची दीवार पर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी, वास्ट एक्सपेंस बहुत बड़ा यानी कि बहुत ज्यादा फैला हुआ, और ग्रीनरी समझते होंगे हरी हरी घासें जो होती हैं, अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग अप, ये रीचिंग अप किसके लिए है? ग्रीनरी के लिए। रीचिंग अप टू द होराइजन, जो क्षितिज की तरफ बढ़ती जा रही है वो ग्रीनरी वाच, ये वाच एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी के लिए है, वाच सेल यानी वो देखी जा रही थी, देखी जाती थी। क्या गलत लग रहा है आपको? स्केलिंग द हाई वॉल यानी ऊंची दीवार पर ऊपर की तरफ जाती हुई चढ़ती हुई, अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी यानी बहुत बड़ी बड़ी घासें जो थी, रीचिंग अप टू द होराइजन जो किस तरफ बढ़ रही थी? क्षितिज की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही थी, वाज सीन, वो एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी वाज सीन, ये यहां पे मिल जाएगा। तो अगर आप देखें, अगर आपको लग रहा हो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैटर हो सकता है कि अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी है, तो सही है, वाज यहां पे गलत नहीं है, अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी वाच, ये गलत नहीं है आपका। कहां पे गलत हो रहा है कर लेंगे आप, मेहनत करें, इस लेवल पे प्रिपरेशन करें आप अपनी, यदि आपको अच्छा बनना है। देखें ये स्केलिंग द हाई वॉल सही है आपके, अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी ये भी सही है आपका, रीचिंग अप टू द होराइजन, रीच अप टू मीन्स क्या होता है? किसी तक, किसी बात को पहुंचाना होता है, क्या होता है? रीच अप टू मीन्स किसी बात को किसी तक पहुंचाना, मीन्स उसे बताना, संबंधित होना होता है, या फिर पहुंचाना या किसी को बताने से मतलब नहीं, पहुंचने से मतलब है। तो पहुंचना रीच अप टू नहीं होता है, रीच टू होता है। तो ये जो रीच के साथ आपने अप का प्रयोग किया है, ये अप क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब अगर एक साथ आप मिलाएं तो आपका ये पोर्शन हो जाएगा, स्केलिंग द हाई वॉल यानी ऊपर उस ऊंची दीवार पर चढ़ते हुए, अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी वाज सेम यानी एक बड़ी बड़ी घासों का जो पूरा एक्सपेंस था वाज सीन, वो क्या हो रहा था? दिख रहा था वो घास ग्रीनरी रीचिंग टू द होराइजन, जो होराइजन की तरफ क्या हो रही थी? रीचिंग टू क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी।
देयर इज नो यूज ऑफ अप, यहां पे अप की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो अप है यहां से वो आपको हटाना पड़ेगा, यानी सुपरफ्लुअस है, इसे अप की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, दिस इज बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड हर वर्क आई हैड नियरली गिवन अप ऑल होप ऑफ अराइविंग एट द पार्टी इन टाइम। बाय द टाइम यानी जिस समय तक शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया, यानी जब उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया उस समय तक, आई हैड नियरली गिवन अप, मैंने छोड़ दिया था ऑल होप, पूरी आशा ऑफ अराइविंग एट द पार्टी, पार्टी में पहुंचने की इन टाइम, समय। आपको कई सारी चीजें यहां लगेंगी, आपको ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, लेकिन जो गलत हो सकता है वो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पकड़ लेंगे क्या गलत है यहां। बाय द टाइम, पता है आपको बाय द टाइम का सिस्टम क्या है? इफ यू फाइंड द वर्ड बाय द टाइम तो आप तुरंत समझ जाएं कि वो बिफोर की तरह यूज होता है, और अगर आपको लगेगा कि बिफोर की तरह यूज होता है तो आप तुरंत एक क्लू बना लें, याद करें वो क्लू, वो क्लू क्या है आपका, कि बिफोर के बाद वाली जो क्लास है वो पास्ट इंडेफिनिट होगी और बिफोर के पहले वाली क्लास जो है वो पास्ट परफेक्ट होगी। तो ये जो क्लास है बिफोर यानी बाय द टाइम के बाद वाली क्लास, ये किसमें होगी? यह पास्ट इंडेफिनिट में होगी, और यह क्लास जो दूसरी है ये किसमें होगी? पास्ट परफेक्ट में होगी। ठीक है, तो ध्यान से दूसरी क्लास को देखें, आई हैड नियरली गिवन अप, ये तो पास्ट परफेक्ट है, सही है, लेकिन जो बाय द टाइम के बाद वाली क्लास है वो क्लास किसमें होगी? पास्ट इंडेफिनिट में होगी। तो बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड, ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट नहीं, क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो बाय द टाइम शी फिनिश्ड हर वर्क हो जाएगा, यानी ये जो पोर्शन है आपका, ये ए पोर्शन गलत है आपका। By the time she finished her work, by the time के बाद, वैसे ही आप past perfect नहीं लेंगे जैसे before के बाद आप past perfect नहीं ले सकते हैं, यहां by the time she finished her work और दूसरी class past perfect में ही है, I had nearly given up all hope, आपको कहां लगा होगा? All के बाद hopes हो सकता है, बड़े hope यहां uncountable noun के रूप में है, तो all hope ही रहेगा। You cannot write like this, all watchers, all sympathies, all mercies, वैसे ही आप all hopes नहीं कर सकते, all hope ही होगा। Of arriving at the party, आप याद करिए जब आप किसी जगह पे पहुंचते हैं तो arrive at का ही प्रयोग करते हैं, arrive at the party, अगर आपको लगता हो कि in time गलत है तो सही है, in time होता है और on time होता है। In time क्या होता है? जो समय आपको पहुंचना है जिस समय पर, उसके अंदर आप पहुंचाते हैं तो वो इन टाइम होता है, और जिस समय आपको पहुंचना है एग्जैक्ट उसी समय पे आप पहुंचते हैं तो वो ऑन टाइम होता है, जैसे द ट्रेन इज ऑन टाइम, यानी सही समय पे वो क्या हो जाएगी? वहां पहुंच जाएगी। यहां कोई एरर नहीं है, ये टेंस की एरर आपको दी गई है कि बाय द टाइम के बाद हमेशा क्या लेंगे, याद हो गया? बाय द टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट वैसे लेंगे जैसे आप बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट लेते हैं, और दूसरी क्लास को किसमें लेंगे? पास्ट परफेक्ट में। ओके, तैयार कर लीजिएगा, ये तीन आपके पास कॉमन एरर्स हैं, ये सेंटेंस फिलर आपका बोलें क्या हो? इट स्टैंड्स टू रीजन दैट द बेस्ट वे टू लर्न टू स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज इज टू, वैसे यहां पे शायद द बेस्ट वे टू लर्न टू स्पीक इससे बेहतर होना चाहिए था, द बेस्ट वे हाउ टू लर्न टू स्पीक होता तो शायद बेहतर होता, लेकिन चूंकि यहां पे आपको कोई मतलब नहीं, यहां पे भरना है, यहां पे शायद ध्यान नहीं दिया गया उन्होंने, तो यहां पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इट स्टैंड्स टू रीजन, यानी ये समझने की बात है दैट की
द बेस्ट वे टू लर्न, यानी सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है टू स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज, किस चीज को सीखने का, एक विदेशी भाषा, यानी एक विदेशी भाषा को सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है इज टू, वो क्या है, इज टू रीड अबाउट इट, कि हम उस भाषा को पढ़ें, इज टू प्रैक्टिस यूजिंग इट, कि हम उसको यूज करने की प्रैक्टिस करें, इज टू थिंक अबाउट इट, उस भाषा के बारे में हम सोचते रहें, या इज टू रिसर्च बिफोर प्रैक्टिसिंग इट, या प्रैक्टिस करने से पहले उस पर क्या कर लें, रिसर्च कर, कौन सा सही है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप कर लेंगे, जल्दी बोलें कौन सा सही होगा, यहां सारे बच्चे बताएं, जो भी बच्चे आगे सीजीएल मेंस या सीएचएसएल या इस तरह के एग्जाम्स के प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो मेरी प्रैक्टिस सेट से जुड़ते जाएं, आप जोड़ते जाएं बच्चे जो यहां पे हैं, वो अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ते जाएं ताकि इनका फायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। देखिए, अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो रीड अबाउट इट, तो रीड करके तो आप नहीं आएगी लैंग्वेज को, आपको थिंक अबाउट इट, सोचने से आ जाता तो आज इंग्लिश की इतनी दिक्कतें क्यों होती आपको, आप सोच लेते, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, यू विल सर्टेनली बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, लेकिन सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्या होगा, प्रैक्टिस यूजिंग इट या रिसर्च बिफोर प्रैक्टिसिंग इट, इन्हीं दो में से एक होना चाहिए आपका, होना चाहिए ना, इन्हीं दो में से एक यूज करेंगे आप। अगर आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो कि रिसर्च बिफोर प्रैक्टिसिंग इट होना चाहिए, तो आप बताइए आप में से कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश जैसी फॉरेन लैंग्वेज यानी ESL सीखने के लिए कितने बच्चों ने रिसर्च किया इस पर, नहीं किया ना, फिर भी आप बेहतर सीख रहे हैं, यू डोंट नीड टू यूज चूज द डी ऑप्शन, आपको नहीं चुनना है, आपको क्या चुनना है, आपको चुनना है प्रैक्टिस यूजिंग इट, यानी उसे यूज करने के लिए क्या करते रहे आप, प्रैक्टिस करते रहे, जैसे ये प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको करा रहा हूं, जितने प्रैक्टिस सेट्स करेंगे उतना आप बेहतर आगे मेंस में और सीएचएसएल वगैरह में एमटीएस वगैरह में बेहतर करेंगे, आप प्रैक्टिस करें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, प्रैक्टिस यूजिंग इट, ओके। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग हैं, सेंटेंस फिलर है, पांचवा प्रश्न, जेरी गेट्स एंग्री, गेट एंग्री क्रोधित हो जाना, पॉजिटिव वर्ब की तरह है, जेरी गेट्स एंग्री व्हेन ही सीज, जब वो देखता है येलो जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म यानी ऐसा जर्नलिज्म जिसमें सनसनी फैलाने की कोशिश की जाती हो, गलत तरीके की पत्रकारिता की जाती हो, वो येलो जर्नलिज्म होती है, तो जैसे ही वो ये येलो जर्नलिज्म देखता है वो गुस्सा हो जाता है, ही सीज, वो कहता है, क्या कहता है वो, कि जर्नलिस्ट वो पत्रकार Who write it, जो येलो जर्नलिज्म करते हैं या उसमें लिखते हैं, आर वो क्या कर रहे हैं, वो मिसलीडिंग देयर रीडर्स, अपने रीडर्स को मिसलीड कर रहे हैं, या इन्फॉर्मिंग देयर रीडर्स, या अपने रीडर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, या एजुकेटिंग देयर रीडर्स, या अपने रीडर्स को एजुकेट कर रहे हैं, या मिसकोटिंग देयर रीडर्स, या अपने रीडर्स को मिसकोट कर रहे हैं, मीन्स गलत तरीके से उनका उद्धरण दे रहे हैं, कौन सा सही होगा, आप हल्का सा कॉमन सेंस लगाएं और इस गेट एंग्री से लगाएं तो आप ये तो समझ जाएंगे कि इनफॉर्मिंग देयर रीडर्स और एजुकेटिंग देयर रीडर्स नहीं होगा, क्या हुआ ना, क्या कभी हो सकता है, अगर वो गुस्सा हो रहा है तो इसलिए तो कभी गुस्सा नहीं होगा कि वो जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने रीडर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये तो अच्छी चीज है, वो कभी गुस्सा नहीं होगा अगर वो अपने लीडर्स ने या रीडर्स रहेगा रीडर्स को एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेट करने पर कौन गुस्सा होगा, कोई गुस्सा नहीं होगा, वो कब गुस्सा होगा, जब या तो वो मिसलीड कर रहे हो या मिसकोट कर रहे हो, तो मिसकोट करना उतना बुरा नहीं जितना मिसलीड करना, मिसलीड करना गलत रास्ते पर ले जाना, बहकाना किसी को, गलत दिशा में ले जाना, गलत डायरेक्शन शो करना, दिस इज ए, यानी जेरी गेट्स एंग्री व्हेन ही सीज, जब वो देखता है येलो जर्नलिज्म की कोई इस तरीके की गंदी पत्रकारिता कर रहा है, मेंस सनसनीखेज समाचार प्रस्तुत कर रहा है, He says, वो कहता है जर्नलिस्ट हु राइट इट, जो लोग इस प्रकार के लेखन को लिखते हैं आर क्या हो रहा है, आर मिसलीडिंग देयर रीडर्स, वो अपने पाठकों को कहीं कहीं क्या कर रहे हैं,
बेवकूफ बना रहे हैं, उन्हें गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा ये अंश, ए वाला अंश, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं आपके, सब सीक्वेंस में देखे हैं आज। Enslaved by alcohol, abuse and gambling, यानी वो alcohol abuse यानी शराब वगैरह पीने लगा, और दूसरी तरफ वो gambling जुआ वगैरह खेलने लगा। इन सब के enslaved वश में आकर, इनका गुलाम बनकर के, he was caught, वो फंस चुका था। किस में फंस चुका था? Between the devil and the deep sea. अब आपको बताना है कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का क्या अर्थ होता है, क्या अर्थ होगा इसका, अगर आपको लगता है कि ये इस तरीके से आपको यूज करना है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का अर्थ क्या होगा? कॉट बिटवीन टू एविल्स, दो बुराइयों के बीच में फंस जाना। कॉट बिटवीन मॉन्स्ट्रस बींग्स या राक्षसों के बीच में फंस जाना, या ग्रिप्ड विद टेरर या भयाक्रांत हो जाना, डर जाना, या ग्रिप्ड बाय टेरिबल हैबिट्स या भयानक आदतों का शिकार हो जाना, क्या हो? मैं मुझे पता है आप शायद पहला या चौथा सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं पहला या चौथा। ये जो सी और ये जो सी है और ये जो डी है, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा सोच रहा होगा। आप जो सोच रहे होंगे वो यही होंगे, ए या डी, ये सोच रहे हैं ना? मैं सही सोच रहा हूं कि नहीं? ए या डी सोच रहे हैं आप? सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। कैसे? क्योंकि कॉट बिटवीन टू एविल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कॉट बिटवीन द डेविल, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब होता है इधर कुआं उधर खाई, दो बुराइयों के बीच में फंस जाना, किसी ने बचने की अपेक्षा नहीं होना, अर्थात दो बुराइयों के बीच में फंस जाना means caught between two evils। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ध्यान कर लीजिएगा, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ओके, इधर कुआं उधर खाई। सेवेंथ क्वेश्चन आपके साथ है, ये भी idioms and phrases है। जॉन गेट्स द राइट आंसर बिफोर एनीवन एल्स, किसी से भी पहले चांद सही उत्तर प्राप्त कर लेता है। He is really quick on the trigger. वो quick on the trigger है, तो क्या है वो? He is really quick on the trigger. तो क्या है वो? वो quick to respond है, या good at handling guns है, या making mistakes है, या a fast runner है। हल्का सा क्लू लीजिए, आप कर लेंगे। ये अगर वो आंसर प्राप्त कर ले रहा है तुरंत, तो वो गुड एट हैंडलिंग गन्स तो नहीं हो सकता है क्या? अगर वो आंसर सबसे पहले प्राप्त कर लेता है तो मेकिंग मिस्टेक्स का कोई रिलेशन ही नहीं आपका, और अगर वो आंसर्स पहले प्राप्त कर लेता है तो फास्ट रनर का क्या मतलब यहां पे हो गया आंसर आपका ना, क्या हो जाएगा? यानी क्विक ऑन द ट्रिगर मीन्स क्विक टू रिस्पॉन्ड, जो आदमी किसी चीज का तुरंत जवाब देता हो या प्राप्त कर लेता हो, he is quick to respond, it means he is quick on the trigger. जो आदमी ट्रिगर पे बहुत तेज होता है वो रिस्पॉन्ड करने में भी क्या होता है, बहुत तेज होता है। आप इसमें नहीं होइएगा, quick to respond, अपने टीचर्स को जल्दी से रिस्पॉन्ड करना सीखें तो आप और बेहतर होते जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये यर्थ क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। The good that men do, जो कुछ भी इंसान अच्छा करता है, उसके जो अच्छे कर्म होते हैं, is often, वो अच्छाई उसकी अक्सर, gone with them, उन्हीं मनुष्यों के साथ चली जाती है। क्या मतलब, क्या इंप्रूवमेंट करेंगे? Is often engraved with them, अक्सर उन्हें engraved हो जाती है, अंकित हो जाती है, या is often buried with them, या उन्हीं के साथ दफन हो जाया करती है, या कैरिड विद देम, या फिर उनके साथ कैरिड ले जाई जाती है, या नो इंप्रूवमेंट होगा, कुछ गलत नहीं है आपका, क्या बेस्ट ऑप्शन, क्या सही लग रहा है, क्या इडियम याद आ रहा आपको?
मनुष्य के साथ ही उसकी सारी चीजें क्या हो जाया करती हैं, मनुष्य के साथ ही उसकी सारी चीजें दफन हो जाया करती हैं। तो अगर सारी चीजें दफन हो जाया करती हैं तो दफन होने की मीनिंग आप जानते हैं, बरिड विद देम। हिंदी बहुत जरूरी है, बहुत हिंदी जितना अच्छा आप समझेंगे उतना आपके काम है। यानी यहां गॉन विद देम की जगह पे क्या आ जाएगा, बरिड विद देम, उन्हीं के साथ क्या हो जाती है, अच्छाइयां दफन हो जाया करते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, द पर्सन हु विल रिटर्न द लॉस्ट वॉलेट विल बी रिवार्ड। वो व्यक्ति जो खोया हुआ वॉलेट लौटाएगा, जो खोया हुआ वॉलेट लौटाएगा विल बी रिवार्डेड, वो क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। अक्सर आप ऐसा सुनते हैं पेपर्स में या न्यूज चैनल्स पे। तो क्या यहां बेस्ट होगा आपके लिए, हु द लॉस्ट वॉलेट रिटर्न्स, ये होगा तो जाएगा द पर्सन हु द लॉस्ट वॉलेट रिटर्न्स विल बी रिवार्डेड, या द पर्सन हु वुड रिटर्न लॉस्ट वॉलेट, या द पर्सन हु रिटर्न्स द लॉस्ट वॉलेट, या द पर्सन नो इंप्रूवमेंट। सही है, मुझे पता है आपने ज्यादातर बच्चे सी जैसा कुछ सोच रहे होंगे। क्या सोच रहे हैं, ए हु द लॉस्ट वॉलेट रिटर्न्स या होना चाहिए, या बी हु वुड रिटर्न द लॉस्ट वॉलेट होना चाहिए, या हु रिटर्न्स द लॉस्ट वॉलेट। अगर आप सी सोच रहे हैं ना, अगर आप सी सोच रहे हैं तो आप गलत नहीं सोच रहे हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये क्लॉज जो आपकी द पर्सन विल बी रिवार्डेड ये फ्यूचर में है, तो निश्चित ये क्लॉज किसमें होगी, प्रेजेंट में, क्योंकि दोनों फ्यूचर तो नहीं ले सकते ना, प्रिंसिपल और सबॉर्डिनेट क्लॉज को। अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपकी फ्यूचर में है तो नॉर्मली जो सबॉर्डिनेट क्लॉज आपकी है वो किसमें होगी, प्रेजेंट में हो जाएगी, द पर्सन हु। जिन बच्चों को लग रहा है सर फिर ये क्यों नहीं होगा, हु द लॉस्ट वॉलेट रिटर्न, ये हु के बाद सब्जेक्ट कब आता, जब यहां हु नहीं डब्ल्यू एच का ऐसा प्रारूप होता जो एडवर्ब की तरह काम करता, ये खुद क्या है आपका सब्जेक्ट है, यहां जब ये सब्जेक्ट है तो इसी के बाद आपकी वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा, तो द पर्सन हु अब वर्ब आ गई, हु रिटर्न्स और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो द पर्सन हु रिटर्न्स द लॉस्ट वॉलेट विल बी रिवार्ड। ऐसे लेवल मेहनत करें और ये लेवल सही है, बहुत कठिन नहीं, आना ही चाहिए। देखिए ज्यादातर बच्चों को आ भी रहा है तो आपको आना चाहिए, आप कर सकते हैं इसको। आप सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया क्वेश्चन नंबर 10 आपके साथ, देखिए जल्दी से देख लें पहले। फॉर देयर एनर्जी ऑफ विल, विल मीन्स यहां पे इच्छा शक्ति, हु हैव टावर्ड हाई अबव देयर फेलो, जो अपने फेलोज अपने साथियों से टावर्ड हाई बहुत ऊंचे गए हैं, नियरली ऑल ग्रेट मैन लगभग सभी महान लोग, हैव बीन रिमार्केबल ऑल थिंग्स इन, वो बाकी सभी चीजों से ज्यादा रिमार्केबल रहे, शानदार रहे, अनुकरणीय रहे। सबसे पहले आप देख लें कौन सा पोर्शन आप लेना चाहते हैं, तो शायद आंसर हो जाएगा। क्या आप लेना चाहेंगे फॉर देयर एनर्जी ऑफ विल, या आप लेना चाहेंगे हु हैव टावर्ड हाई अबव देयर फेलोज, या आप लेना चाहेंगे नियरली ऑल ग्रेट मैन, या आप लेना चाहेंगे हैव बीन, एस तो कभी नहीं आएगा ना। चारों ऑप्शंस देखें, सबसे पहले क्या बेस्ट लग रहा है, क्या लेना चाहेंगे आप, किनके बारे में बात करिए, हु हैव टावर्ड हाई अबव देयर फेलोज, कौन अपने मित्रों से आगे निकल गए हैं, कौन, नियरली ऑल ग्रेट मैन, यानी जब भी आएगा आर पहले आएगा। सारे ऑप्शंस देखें आप, आंसर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। आप क्या ऑप्शन दिख रहा है, क्या आर है यहां पे, नहीं है यहां पे, है ना, बी ऑप्शन है यहां पे, नहीं है यहां पे, नहीं है। कोई मेहनत करने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप जिस दिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो आपका सबसे बढ़िया पल होगा, सबसे हसीन पल होगा कि आपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वगैरह पहचानना शुरू कर दिया है। यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है, नियरली ऑल ग्रेट मैन, लगभग सारे जो महान व्यक्ति रहे हैं,
अब ये मेन बता रहा है कि ये हु वाला पोर्शन जब भी आएगा इसी के बाद आएगा। ये आपकी कौन सी क्लास है? एडजेक्टिव क्लास है। एडजेक्टिव क्लास जब भी आएगी किसके बाद आएगी? नाउन क्लास के बाद। नाउन के बाद तो यहां यही देखिए है, यहां पे यहां ऑल थिंग्स एल्स है, इसके बाद हु कभी आ नहीं सकता है। थिंग्स के लिए वैसे भी हु कैसे आ सकता है? यहां पर विल है, एनर्जी ऑफ विल, इसके बगल में भी नहीं आ सकता है। यानी जब भी आएगा आर और क्यू एक साथ आएगा। तब देख ले आप, आर और क्यू वैसे भी किसी में यहां दिखे नहीं है, यहां है लेकिन लास्ट में है। पहले आपको सब्जेक्ट लेना होगा। अगर आप आर क्यू यहां लग रहे हैं तो फिर एस आपको पहले रखना होगा। क्या एस पहले किसी भी सूरत में आ सकता है? इसमें कभी नहीं। यानी हमारा आंसर क्या होगा? आर क्यू यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा है, लेवल पे है लेकिन आप समझ सकते हैं ज्यादातर बच्चे। चलिए ये देखिए आप, ये कनेक्ट करने वाला है आपका। अभी जो आपने किया वो एक सेंटेंस है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। ये अलग अलग सेंटेंसेस आपके हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी ये वो सेंटेंस अरेंजमेंट है जिसमें अलग अलग घटनाओं को आपको एक में क्या करना है? पिरोना है, उन्हें अरेंज करना है। तो पहला आपको दिया ही गया है, द मिनिस्टर एडवांस्ड टुवर्ड्स द पोडियम। जो मिनिस्टर थे वो उस पोडियम की तरफ एडवांस्ड आगे बढ़े। वो टू आर्म्ड यूथ्स हैड एंटर्ड द हॉल थ्रू अ साइड डोर। कहीं अभी हॉल की बात कही गई, कहीं पे अभी इनका कोई जिक्र है? नहीं ना। यानी हम पी वाला ऑप्शन छोड़ते हैं। पीपल बिगेन रनिंग फॉर कवर, और लोग दौड़ने लगे अपने को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। क्यों दौड़ने लगे? अभी कोई वजह ही नहीं है। सडनली अ लाउड क्राई वाज हियर, अचानक तेज चीख सुनाई दे, मैं सब तेज चीख सुनाई दे। दे बिगेन फायरिंग randomly at the crowd। अब ध्यान से देखेंगे, they began firing, और आप पढ़ चुके हैं two are the youths, यानी s जब भी आएगा p के पहले आएगा, मतलब इसके बाद आएगा, p के बाद s आएगा। अब पहले हम इसी क्लू पर देख लेते हैं, शायद यही पे आंसर मिल जाए, बाकी मेहनत करने की आवश्यकता ही ना हो आपको। यानी पहले क्या आएगा? ये आएगा p और फिर s आएगा। पी के बाद एस नहीं, पी के बाद एस नहीं, पी के बाद एस है, पी के बाद एस नहीं है। इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर आप सोचें कि इसमें पी एस है और आर है, तो अब मिला ले देखें आप। द मिनिस्टर एडवांस्ड टुवर्ड्स द पोडियम, यानी मिनिस्टर जो थे वो पोडियम की तरफ बढ़े। अब आप थोड़ा सा भी पर्दा समझते हो तो कर लेंगे, जब वो बढ़े तो सडनली अचानक अ लाउड क्राई वाज हियर, तेज चीख सुनाई दी। जब तेज चीख सुनाई दी आर हो गया, इसके बाद पी हो जाएगा। क्यों तेज चीख सुनाई दी? क्योंकि टू आर्म्ड यूथ्स हैड एंटर्ड द हॉल थ्रू अ साइड डोर। साइड डोर से दो आर्म्ड यूथ्स, सशस्त्र मतलब जवान या नौजवान घुस गए। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने बिगेन फायरिंग रैंडमली एट द क्राउड, भीड़ पर उन्होंने हमला करना, गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जब गोलियां चलाए तो क्या होने लगा? पीपल बिगेन रनिंग फॉर कवर, यानी लोग इधर उधर क्या करने लगे? अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे। वन ऑफ द गार्ड्स, और उनमें से एक गार्ड्स हु हैड बीन शॉट एट, जिस पर गोली चलाई गई थी, ध्यान रखिएगा, जिसको मारा नहीं गया, जिस पर गोली चलाई गई थी, उनमें से एक गार्ड स्लम्प्ड टू द ग्राउंड, मींस क्या हो गया? स्लम्प्ड टू द ग्राउंड, जमीन पर गिर पड़ा। कर लेंगे, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा पीएस, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। करिए इसे दोबारा, देखिएगा अच्छा लगेगा आपको। क्लोज टेस्ट आपका है। सबसे अच्छा पैसेज जो बच्चे अच्छे होते हैं वो दो तीन चीज जरूर करना चाहते हैं, क्लोज टेस्ट जरूर करना चाहते हैं, पिकीवारिस करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करना चाहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चूंकि अभी आपको दिया नहीं गया था, इसलिए अभी मैं उसे थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं। जल्दी ही मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन भी इसमें शामिल कर दूंगा, तो और इंटरेस्टिंग पूरा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। बोलिए, वन डे एट स्कूल, एक दिन स्कूल में, न्यूटन वाज डैश बाई अ डैश बॉय, यानी किसी लड़के के द्वारा न्यूटन के साथ कुछ किया गया होगा। हुआ जो लड़का, हु वाज हायर अप इन क्लास,
देन हेवा, जो न्यूटन से हायर क्या था, थोड़ा सा बड़ा था हिमसेल्फ मतलब न्यूटन के अपेक्षा, द किकिंग, अब तो समझ गए होंगे यहां कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ रहा होगा, किकिंग अगर यहां दे रहे हैं द किकिंग यानी ऊपर ऐसा ही कुछ रहा होगा, द किकिंग डैश न्यूटन वेरी डैश, यानी उस किकिंग ने, किकिंग मीन्स लात मारना, उस किकिंग ने न्यूटन को बहुत क्या कर दिया गया होगा, समझ सकते हैं आप, एंड He turned on the big boy, और वो बड़े लड़के की तरफ घूमा, and gave him a good, और फिर उसने क्या किया होगा उनको, बराबर किया होगा, He also decided to beat him at lessons, उसने ये भी तय किया कि वह उसे पढ़ाई में भी पीछे करेगा, and this made him start to work harder, और इस चीज ने उसे और अधिक कठिन परिश्रम कराना शुरू कर दिया, यानी न्यूटन और अधिक कठिन परिश्रम कर दिया, क्योंकि वह उसे सिर्फ मारना ही नहीं चाहता था, वह उसे दिमागी रेस में भी क्या करना चाहता था, पीछे छोड़ना चाहता था, क्योंकि मेरा डाला याद रखेगा, तुम हारते रहे क्योंकि तुम हराने की सोचते रहे, और मैं जीतता रहा क्योंकि मैं जीतने की सोचता रहा, हम किसी को गिराने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने के बजाय अपने को उठाने में, अपने को जिताने में खर्च करें, न कि किसी की आलोचना करके हम उसे बेइज्जत करने की कोशिश करें, तो वैसे यहां पे भी है, अब कर सकते हैं आप, वन डे एट स्कूल यानी एक दिन स्कूल में न्यूटन वास बाई और डैश बॉय, तो न्यूटन वास प्लेड, न्यूटन के साथ खेला गया, या न्यूटन वास लाफ्ड या उस पर हंसा गया बाई और डैश बॉय, या न्यूटन वास किक्ड, न्यूटन को लात मारी गई, तो क्लू समझ रहे होंगे, द किकिंग चीक चीक के कह रहा है कि किक्ड ही होगा, और स्टोलन यहां कोई मतलब नहीं था। अगर आपके मन में आया सर लाफ्ड क्यों नहीं हो सकता है, तो यू डू नॉट लाफ हिम, यू लाफ एट हिम, आप उस पर हंसते हो, कहीं भी एट है इसमें, कहीं नहीं, अगर उन्हें लाफ लेना होता तो हो जाता न्यूटन वास लाफ्ड, और यहां बाई के स्थान पे क्या हो जाता, एट हो जाता, जो नहीं यहां पे, इसलिए लाफ नहीं हुआ, बाकी प्लेड का और स्टोरिन का तो कोई मतलब नहीं यहां पे। तो वन डे एट स्कूल न्यूटन वास किक्ड, यानी उसको लात मार दी गई बाई अ, अब ये हायर अप बता रहा है कि लड़का कैसा रहा, बाई अ बिगर बॉय बड़े बच्चे के द्वारा, बाई अ हायर बॉय ऊंचे बच्चे के द्वारा, बाई अ फ्रेंडली बॉय, अब फ्रेंडली तो नहीं रहा होगा, अगर किक कर रहा है तो फ्रेंडली कैसे रहेगा वो, बाई अ स्लो बॉय, जो आदमी लास्ट से मार रहा है वो स्लो कैसे रहेगा, अपने आप फास्ट हो जाएगा, इन दो में से चूज करना है बिगर या हायर, तो कॉमन सेंस लीजिए, यहां दिया गया है हु वाज हायर अप इन क्लास, यहां अगली हायर दिया गया है, तो आपका क्लू है कि अगर आप ऐसे नहीं लेंगे नवाब, वन डे एट स्कूल न्यूटन वास किक्ड बाई अ हायर बॉय, हु वाज हायर, लेंगे क्या, कतई नहीं, तो आंसर क्लियर है आपका, बिगर हो जाएगा, कि वन डे एट स्कूल न्यूटन वास किक्ड बाई अ बिगर बॉय, हु वाज हायर अप इन क्लास देन ही वाज हिमसेल्फ, ओके, द किकिंग, वो जो लास्ट से उस लड़के ने न्यूटन को मारा, द किकिंग कॉज्ड न्यूटन वेरी डैश, या द किकिंग फेल्ट न्यूटन वेरी डैश, द किकिंग हैपेंड न्यूटन वेरी डैश, या द किकिंग मेड न्यूटन वेरी डैश, क्या हो, यहां ग्रामर की रियल परीक्षा है आप, अब आप ये समझ रहे होंगे ना कि कॉस्ट भी हो सकता है और मेड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, आपका सोच के देखें आप कॉस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और मेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो भी बच्चे मेरे से पढ़े होंगे उन्हें निश्चित याद होगा कि कॉस्ट लेंगे तो क्या होगा और मेड लेंगे तो क्या होगा, क्यों पॉजिटिव है, याद आ रहा आपको, आ रहा है बिल्कुल भी, आप कॉस्ट नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट होता तो यहां टू एंग्री हो जाता, जो यहां पर नहीं है, यहां क्या हो जाएगा द किकिंग मेड हो जाएगा, द किकिंग मेड न्यूटन वेरी एंग्री हो जाएगा, एंड और ही टर्न्ड ऑन द बिग बॉय, वो उस बड़े बच्चे की तरफ घूमा, एंड गेव हिम अ गुड, और उसे अच्छी खासी क्या कर दी, उसकी अच्छी खासी उसे हैप्पी कर दिया, अच्छी खासी हैप्पी कर दिया,
या फिर अच्छा यहां मैंने एक छोड़ दिया सॉरी। तो वन डे एट स्कूल न्यूटन वाज किक्ड बाय अ बिगर बॉय हु वाज हायर अप इन क्लास देन ही वाज हिमसेल्फ। द किकिंग मेड अ न्यूटन वेरी, किकिंग ने न्यूटन को क्या किया होगा, हैप्पी कर दिया, खुश कर दिया, क्या लात खाने के बाद कोई खुश होगा? न्यूटन क्या कर दिया, एंग्री कर दिया, क्रोधित कर दिया, प्लीज्ड और हंग्री कर दिया। प्लीज तो कभी नहीं होगा ना, और लात खाने के बाद क्या भूख लगेगी, क्या हंग्री हो जाएगा क्या, कोई कभी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, द किकिंग मेड न्यूटन वेरी एंग्री हो जाएगा। एंड ही टर्न्ड ऑन टू द बिग बॉय, उस बड़े बच्चे की तरफ घूमा, एंड गिव हिम अ गुड, उनकी अच्छी खासी क्या कर दी, उनकी अच्छी खासी हैंडशेक किया, और भाई तुमने लात मारी, आओ आओ मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहूंगा, ऐसा किया। अब हर कोई अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं हो जाएगा। तो गिव हिम अ गुड, क्या किया उसने, बीट हिम, क्या उसने अच्छी खासी उनकी पिटाई कर दी, पैट पैट में थपकी देना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुमने मुझको लात मारी, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा करेगा क्या, कभी नहीं। इस्माइल लात खाने के बाद मुस्कुराएगा, मुस्कुराकर कहेगा अरे भाई गजब तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्या हो जाएगा, बीटिंग हो जाएगा ना। तो हो जाएगा टर्न ऑन द बिग बॉय एंड गिव हिम अ गुड बीटिंग, उनकी अच्छी खासी पिटाई कर दे। लेकिन न्यूटन की सबसे बड़ी चीज क्या है पता है, जो इसके बाद ही ऑल्सो डिसाइडेड टू बीट हिम, उसने उसे यह भी निर्णय किया कि उसे बीट करेगा, पीटेगा नहीं, वो उसे हराएगा एट लेसंस पढ़ाई में भी। एंड दिस मेड हिम स्टार्ट टू वर्क हार्ड, और इस चीज ने उसे और अधिक कठिन परिश्रम कराया। अगर आपको कोई बात लग जाए ना और आप मेहनत करना शुरू कर दें, आप विश्वास करें आप जिंदगी में सबसे आगे जाएंगे। मतलब बात लगनी चाहिए, मेरी हो, आपके माता पिता की हो, किसी की हो, बात लग जाए आप और आपने मन में ठान लें मैं बन करके दिखाऊंगा, तो आप देखें ना कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन से बढ़ के दूसरी कोई शक्ति नहीं होती। तो बात लगे आपको और आप बेहतर करने की कोशिश करें आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17th क्वेश्चन हमारे सामने, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक ही वर्ड है जो यहां पर सही होगा और देखिए आप बता सकते हैं अगर आप याद। दो क्लूज यहां पे हैं, पहला ओयो और दूसरा क्लू है EOIS, दोनों यहां पे, यहां पे OU है लेकिन EOISE है, इसलिए गलत हो गया। यहां पे U है ही नहीं, मैटर खत्म, यहां पे OU है लेकिन EIOS उल्टा कर दिया गया है, एक ही शब्द है। ए ऑप्शन आपका बोर्सुआ, मेन्स मध्य वर्ग के जो लोग होते हैं वो बोर्सुआ कहलाते हैं, ओके ए ऑप्शन हो जाएगा। यहां भी देख लें, ये बढ़िया वर्ड है आपका जो आना चाहिए आपको, कौन सा से, ए इनक्विटस या बी इनक्विटस या सी इन अक्विटस या इन क्विटस क्विटमस, कौन सा से मीनिंग आपको याद है? इनक्विटस मीन्स पढ़े हैं आपने स्कूल बच्चे से, इनक्विटस मीन्स दुष्ट, जो गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो इनक्विटस होता है, क्या होता है वो, इनक्विटस होता है, नॉट इनक्विटस होता है, ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं इनक्विटस, बट इनक्विटस, अगर इनक्विटस है तो बी ऑप्शन हो जाएगा, आई एन आई हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन पे आपकी वॉइस का क्वेश्चन है, कर लेंगे आपने ज्यादातर बच्चे, योर फ्रेंड कैन नॉट इंटरेस्ट यू, पैसे बनाना, योर फ्रेंड कैन नॉट इंटरेस्ट यू, क्या सही होगा, You cannot be interested by your friend, बिल्कुल सही लग रहा है शायद, या you could not be interested by your friend, ये तो could not तो नहीं हो सकता है ना, your interested cannot be interested by your friend, कभी नहीं हो सकता है, you cannot be interested in your friend, पता नहीं, क्लियर नहीं है, बोल कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, वो बच्चे कर लेंगे जिन बच्चों ने मेहनत किया, जो बच्चे अपनी मेहनत पे भी भरोसा करते हैं कि हम केवल टीचर के दम पर ना चढ़ें, हमारा भी हार्ड वर्क हो, हम भी जाने चीजों को ताकि हम अपने से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको याद हो
जब भी आप obliged या known का प्रयोग करते हैं, इसके साथ आपका जो preposition होता है वो by नहीं होता है, क्या होता है? To होता है ना? Obliged और known के साथ preposition by नहीं, to होता है। जब भी आप pleased का प्रयोग करते हैं, आप charmed का प्रयोग करते हैं, lined का प्रयोग करते हैं और special word thronged का प्रयोग करते हैं, satisfied का प्रयोग करते हैं, तो इनके साथ आपकी जो preposition होती है वो by नहीं, with होती है। क्या होती है? With होती है। जब भी आप surprised का प्रयोग करते हैं, आप wondered का प्रयोग करते हैं, shocked का प्रयोग करते हैं, alarmed का प्रयोग करते हैं, vexed का प्रयोग करते हैं, disappointed का प्रयोग करते हैं, astonished का प्रयोग करते हैं, तो इनके साथ आपकी जो preposition होती है वो by नहीं, at होती है। और जब आप interested और contained का प्रयोग करते हैं, किसका? Interested और contained का प्रयोग करते हैं, तो फिर आपकी preposition by नहीं, in होती है। क्या होती है? In। जो बच्चे ये option देख के चल रहे होंगे कि you cannot be interested by your friend, वो अपने आप को रिवर्स करें और D में ले आएं, you cannot be interested in your friend हो जाएगा, यानी D option होगा, न कि A। B और C तो होने का सवाल ही नहीं, कुड हो नहीं सकता है, पैसे में टेंस नहीं बदलते हैं ना, और ये तो स्ट्रक्चर ही गलत आपका है। इन्हीं दो में कंफ्यूजन था, by your friend होगा या in your friend, क्योंकि interested हो, by नहीं होता, interested in होता है, इसलिए D option हो जाए, ओके? 20वां प्रश्न आपके सामने है, नरेशन का प्रश्न, देख लें। He said, robots are not human beings as they do not have the human intelligence. उसने कहा रोबोट्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं है क्योंकि उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं, यानी मानवीय जो बुद्धि है वो नहीं उनके पास। क्या होगा? He said that robots were not human beings as they did not have the human intelligence. Yeah, he said that robots are not human beings as they do not have the human intelligence. Yeah, he told that robots are not human beings as they did not have the human intelligence. Yeah, he announced that robots are not human beings as they did not have the human intelligence. कौन सा इसमें बेस्ट है आपके लिए? बोले ये कैसा वाक्य है, क्या आप इसे बदल सकते हैं क्या? रोबोट्स वर नॉट ह्यूमन बींग्स, वर ये अभी का है, हमेशा का है, ये ट्रुथ आपको बताया गया है, और जहां पे आप कोई ट्रुथ बताते हो वहां पे आप उसका टेंस नहीं बदलते, यही ना? तो इफ दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रुथ, जनरल ट्रुथ, यू कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, सो द बेस्ट ऑप्शन इज नॉट दिस, द बेस्ट ऑप्शन इज दिस, यानी बी ऑप्शन है। He said that robots are है ना? Robots are not human beings as they do not have the human intelligence. B वाला option best होगा। वैसे फिर से सब देखेगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि general truth में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कोई कहे आपसे good boys obey their parents है ना? Morality है, आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कोई universal fact है, universal truth है, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। कोई हैबिट है, आप उसमें भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि आई विश या इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम है, तो उसके बाद जो टेंस है आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि कहीं पर अनरियल पास्ट है तो आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि दो पैरेलल एक्शंस हैं और वहां पे टाइम क्लॉज है, कोई व्हेन से क्लॉज है, After या before से जुड़ा हुआ है, या as soon as से जुड़ा हुआ है, या while से जुड़ा हुआ है, तो आप उनके tense में परिवर्तन नहीं करते हैं। और यदि कहीं used to का प्रयोग है, would है, could है, might है, तो आप इनमें भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें धीरे धीरे आप तैयार करिए, और अगर आप नहीं भी तैयार करेंगे तो मैं जल्दी ही अलग अलग sections लेकर आपको मैं तैयार करा दूंगा। ठीक है, चलिए 21st question आपका। वन वर्ड है, द फायरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ गन्स टुगेदर एज अ सैल्यूट आर अदरवाइज।
जब आप किसी को सैल्यूट देने के लिए, सलामी देने के लिए या किसी अन्य मकसद के लिए जब एक साथ कई गन्स से आप फायर करते हैं तो वो फायर क्या कहलाता है? सैल्वो, गन सैल्यूट, रिसेप्शन या सैल्यूटेशन? क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? सैल्वो, रिसेप्शन, गन सैल्यूट या सैल्यूटेशन? जो बच्चे गन सैल्यूट करना चाह रहे हैं वो देखें, फायरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ गन्स तो फिर सी नहीं। जो बच्चे रिसेप्शन करना चाह रहे हैं वो बच्चे समझे, रिसेप्शन क्या होता है? एक काउंटर होता है जहां पे आपको रिसीव करने का कार्य किया जाता है। आप किसी होटल में जाते हैं तो वहां पे आपको रिसीव किया जाता है, तो एक रिसेप्शन काउंटर दिया जाता है, जो यहां पे नहीं कोई मतलब है। सैल्यूटेशन क्या होता है, याद है आपको? आप किसी सुबह सुबह आप मिलते हैं और आप कहते हैं नमस्ते या गुड मॉर्निंग, ये जो सुबह सुबह आप अभिवादन करते हैं वो सैल्यूटेशन होता है। और सैल्वो क्या होता है? फौजी सलामी को कहते हैं आप। जब कोई सैनिक शहीद होता है, वीरगति प्राप्त करता है, तो उसे जो फौजी सलामी दी जाती है वो सैल्वो होती है। फौजी सलामी में क्या होता है? कई सारी बंदूकें एक साथ छोड़ी जाती है ना। दिस इज द फायरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ गन्स टुगेदर एज अ सैल्यूट और अदरवाइज। उस सैनिक को क्या दी जाती है? सम्मान प्रदर्शित किया जाता है उसके प्रति। दिस इज द रीजन वी यूज हियर सैल्वो। मेंस यहां आंसर हो जाएगा सैल्वो, फौजी सलामी, जिसमें कई सारी बंदूकें एक साथ छोड़ी जाती है। ओके, ये 22nd प्रश्न आपका है, शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट। आप याद करें, जब कोई सिगरेट पी रहा होता है तो पीने के बाद जो उसका बचा हुआ हिस्सा होता है वो ऐश ट्रे में डाल दिया करता है। कौन सा हिस्सा होता है? वो फाइलिंग है, यानी रेतने के बाद जो बचे हुए खुरचुरे होते हैं वो होता है फाइलिंग, रेतना होता है ना। वो फिलामेंट है, यानी जो जानवरों या पेड़ पौधों में रेशा, जो फाइबर पाया जाता है वो है। पिंच, यानी कोई चीज चुटकी भर है बिल्कुल, वैसे पिंच और भी होते हैं, जब आप किसी को न्यू पिंच करके चुटकी काटते हैं वो भी होता है। या वो स्टब है, अर्थात वो ठूंठ है जो बचा हुआ हिस्सा होता है। जब भी किसी पेंसिल का या सिगरेट का बचा हुआ हिस्सा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टब कहते हैं। तो शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट इज स्टब, याद कर लीजिएगा कहां है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है एंटोनिम हमारा, फोमेंट। फोमेंट का एंटोनिम आपको ढूंढना है। फोमेंट का एंटोनिम कंट्रोल होगा, क्वेल होगा, रिपल्स होगा या सीज होगा। मीनिंग्स देख लेते हैं। कंट्रोल क्या होता है? जब आप किसी परिस्थिति पर अपना नियंत्रण रखते हैं तो आप उसे कंट्रोल करते हैं। रिपल्स क्या होता है? जब आप किसी को दूर भगाते हैं, उसके प्रति घृणा प्रकट करते हैं, आप लोथसम हो जाते हैं, तो आप रिपल्सिव हो जाते हैं। सीज क्या होता है? जब आप किसी चीज को समाप्त कर देते हैं, रोक देते हैं, तो आप सीज करते हैं। याद करें, सीज फायर, यानी गोलीबारी बंद कर दी जाती, ये सीज होता है। और क्वेल क्या होता है? इच्छा को दबाना, उसे सप्रेस करना, ठीक है। तो फोमेंट क्या होता है? फोमेंट में भड़काना होता है। जब आप किसी की इच्छा को भड़का रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, तो आप उसे फोमेंट कर रहे हैं। तो एंटोनिम समझ सकते हैं क्या हो जाएगा? Well, आप उसे दबा रहे हैं, तो फोमेंट का एंटोनिम क्वेल हो जाए। ओके, 24th क्वेश्चन हमारा है, एंटोनिम है फर्वेंट। फर्वेंट का एंटोनिम क्या हो? आर्डेंट, आर्डेंट मीन्स उत्साही होता है, या पार्शियल, पार्शियल मीन्स पक्षपाती या आंशिक होता है। डिसेंट, शालीन, जिसका बिहेवियर शालीन होता है, मीन्स डिसेंट यानी पोलाइटनेस से भरा होता है, वो डिसेंट होता है। डिसपैशनेट, जो निरुत्साही होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं होता है, वो डिसपैशनेट होता है। पैशनेट मीन्स उत्साही होता है। तो फर्वेंट मीन्स क्या होता है? फर्वेंट मीन्स भी उत्साही होता है। तो अगर फर्वेंट मीन्स उत्साही होता है तो आर्डेंट नहीं होगा, ये भी इसका सरनेम है। पार्शियल नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं, पार्शियल आंशिक का है। डिसेंट नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं, शालीन होता है। फर्वेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसपैशनेट।
फर्वेंट मीन्स उत्साही, तो डिस्पैशनेट मीन्स निरुत्साही, जिसके अंदर का उत्साह खत्म हो चुका है वो डिस्पैशनेट होता है। कभी भी आप डिस्पैशनेट ना होइएगा, परिस्थितियां कैसी भी हो जाए हमेशा फर्वेंट रहिएगा, अपने उत्साह को बनाए रखिएगा। 25th क्वेश्चन, और ये सिनोनिम है आपका ऑनस्लॉट, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका ऑनस्लॉट मीन्स, ऑनस्लॉट मीन्स क्या होता है, ऑनस्लॉट मीन्स हमला होता है, आक्रमण। तो आक्रमण क्या डिफेंस होता है? नहीं, डिफेंस मीन्स रक्षा होती है। क्या काउंटर अटैक होता है? नहीं, काउंटर अटैक मीन्स जवाबी आक्रमण होता है। क्या इन्वेशन होता है? बिल्कुल होता है, इन्वेशन मीन्स आक्रमण होता है। तो ऑनस्लॉट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वेशन हो जाएगा, आक्रमण। रेसिस्टेंस आप समझते होंगे, प्रतिरोध को कहते हैं, किसी अवस्था में अपने आप को रोकने की जो आपकी क्षमता है वो आपके अंदर रेसिस्टेंस है। तो ऑनस्लॉट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वेशन मीन्स हमला, आक्रमण। और ये चूंकि एक ही सिनोनिम दिया था तो फिर दूसरा सिनोनिम आपके पास है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी मीन्स क्या होगा? डिस्ग्रेस, सिनोनिम इसका डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस मीन्स अपमान होता है। ट्रायल, ट्रायल मीन्स परीक्षण होता है। एक्सपोजर, भंडाफोड़ कर देने की क्रिया, अनावरण कर देने की क्रिया। या स्टुपिडिटी, सारे बच्चे समझ रहे होंगे, स्टुपिडिटी मीन्स जो कभी कभी हम लोग प्रदर्शित करते हैं, मूर्खता होती है। तो इग्नोमिनी मीन्स क्या होता है? इग्नोमिनी मीन्स अपमान होता है। तो इग्नोमिनी का सिनोनिम बिल्कुल आसान हो गया, डिस्ग्रेस। यानी इग्नोमिनी मीन्स अपमान, तो डिस्ग्रेस मीन्स भी अपमान हो जाए। बहुत बार होता है जब आप किसी से कोई पैसे मांग रहे, आपने कहा कि 100 रुपए दे दीजिएगा, तो वो आपको 100 रुपए ही देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपके लाइफ में आए होंगे जो 100 रुपए जिनसे आपने मांगे उन्होंने 150 रुपए दे दिए, ज्यादा दिया। मैं भी 25 के बदले 26% देता हूं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा मैं प्रिपरेशन करा सकूं। ये घंटे भर का समय आपका कैसा बीतता है मुझे जरूर बताएं, जो कमियां हो वो भी मुझे बताएं, जो प्लस पॉइंट हो वो भी बताएं, ताकि और बेहतर करने की मैं आपके लिए कोशिश करूं। क्योंकि हर दिन मैं यही कोशिश करता हूं कि मैं फिर से आपके लिए कुछ बेहतर ले आऊं। तो इसी आशा और इसी अपेक्षा, इसी विश्वास के साथ टुमारो आई विल बी हियर एट द सेम टाइम एट 9:00। टिल देन गुड नाइट, थैंक यू।